निजी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां कितनी असरदार है और गुणवत्ता कैसी है, अब इसकी जांच की जाएगी। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश में अस्पतालों को आपूर्ति हो रही दवाइयों की गुणवत्ता जांच के आदेश जारी किए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जांच के लिए नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ताजबर सिंह ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाले दवाइयों की जांच के आदेश दिए। जांच के लिए गढ़वाल मंडल में सहायक आयुक्त सुधीर कुमार, ड्रग्स इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह राणा, कुमाऊं में मंडल सहायक आयुक्त हेमंत सिंह नेगी, ड्रग्स इंस्पेक्टर धीरज कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया है। सरकारी दवाओं में पहले जो भी सप्लाई होती थी वो प्रॉपर तरीके से जांच नहीं होती थी। अभी क्या कि हर आदमी का स्वास्थ्य है, उसके साथ खिलवाड़ हम नहीं चाहते हैं करे कोई, तो उसके लिए हमने सारे जितने भी इनके सप्लाई केंद्र हैं वहाँ पर जांच के लिए बोल दिया। और प्रॉपर क्योंकि सरकार से बहुत चिंतित है कि दवा जैसी चीज़ें किसी को सफिशेंट न मिले, उसकी जाँच जरूरी है, इसलिए हम उसको अपने सैंपल के माध्यम से पता चलेगा कि वो सफिशेंट है या स्पूरियस है। अगर इस तरह से कुछ भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए हमने ये तैयारियां की हैं। बिल्कुल, जहां पर भी दवा होगी वहां पर जांच की जाएगी, प्रॉपर जांच की जाएगी। इवन जो प्राइवेट क्लिनिक है उनके अंदर भी जांच की जाएगी कि वहां पर कौन सी दवा किसको कैसे सप्लाई कर रहे हैं। ये अभियान हमने तत्काल प्रभाव से शुरू करने के लिए आदेश कर दिए हैं और हमारे इंस्पेक्टर जो है फील्ड में उन्होंने सैंपलिंग भी शुरू कर दी है और